अब बहुत दोस्त लोग हैं जो बोर्ड वायरिंग करना नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दो स्विच और दो सॉकेट का बोर्ड वायरिंग कैसे होता है। दोस्तों बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं घर पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं गैंग बॉक्स। ये आप कोई भी इलेक्ट्रिक दुकान में जाके बोल सकते हैं, मुझे फोर वे का गैंग बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4, तो फोर वे का गैंग बॉक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखिए, ये सॉकेट में आप लोगों को दिखा दूँ, ये दूसरा टाइप का सॉकेट है, देखिए चीनी मिट्टी वाला सॉकेट है, ये जल्दी गलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये चीनी मिट्टी है, गलेगा नहीं, ठीक है, प्लास्टिक वाला नहीं है, ये चीनी मिट्टी वाला है, जल्दी गलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। सॉकेट बहुत बढ़िया सॉकेट है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसका वायरिंग किस तरह से होता है वो मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों पहले इस तरह का वायर ले लीजिएगा, इसका नीचे वाला में कनेक्शन कीजिएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से, इस तरह से कनेक्शन कीजिएगा। इसको मैं टाइट कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। जो एक्स्ट्रा होगा मैं बाद में काटूँगा, अभी फिर मैं मोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसका नीचे का कनेक्शन कर लिया हूँ। अब देखिए मैं स्विच के ऊपर से इस सॉकेट का कनेक्शन करूँगा, ठीक है। देखिए एक वायर सॉकेट का पिन में डालूँगा, इसमें डालूंगा, इसमें कनेक्शन करूंगा, दोस्तों इसको बढ़िया से टाइट कीजिएगा, लूज मत रखिएगा। ये देखिए ये हो गया, दूसरा स्विच का ऊपर में डालूंगा, दूसरा स्विच वाला में इस तरह से, देखिए दोस्तों इस तरह से एक इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ। सेम टू सेम अब नेक्स्ट वाला होगा, सेम कनेक्शन करेंगे इसका। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देखिएगा एलईडी किस तरह से रिपेयर होता है। देखिए इस तरह से कनेक्शन करूँगा, सेम टू सेम अब फिर इसमें कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए सेम कनेक्शन हो गया है अब सॉकेट का। अब दोस्तों मैं न्यूट्रल इसका कनेक्शन करूंगा, ये हमारा फेज हुआ है, तो मैं एक फेज का तार इसमें लगा दूंगा, ये देखिए दोस्तों जो एक्स्ट्रा है उसको मैं काट दूंगा, इसलिए वो कहीं भी शॉर्ट होने का चांस रहता है, इसलिए इसको मैं काट कर साफ कर दूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैं काट दिया हूँ और ये इसका कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसका न्यूट्रल कनेक्शन करूँगा, तो दोस्तों एक इसमें कनेक्शन करूँगा, दोनों को जोड़ के ज्वाइन कर दूंगा, इस सॉकेट में कर दूंगा, ठीक है, सॉकेट का पिन। इस तरह से तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हैं, ये बोर्ड वायरिंग एकदम इजी है। अब मैं आप लोगों को एक बार समझा दूँ किस तरह से कैसे वायरिंग हुआ है। देखिए ये जो वाइट वाला तार है, ये वाइट वाला तार में एक मेन है और एक ग्रीन वाला तार है, ये दोनों मेन है, ये दोनों में करंट में दूंगा, चाहे कोई भी प्लग में खोस दूंगा तो इसमें करंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कनेक्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए ये न्यूट्रल इधर से होकर इसमें सॉकेट में न्यूट्रल मिलेगा, तो हमारा इस सॉकेट में और इस सॉकेट में न्यूट्रल मिल गया। अब देखिए फेज, इसमें फेज है, तो ये फेज इधर आ गया, स्विच ऑन करेंगे तो
इधर से फेज इसमें मिलेगा, फिर स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से फेज इसमें मिलेगा। एकदम सिंपल सा बोर्ड वायरिंग है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच हरी टेक्निकल, थैंक्स ऑल माई फ्रेंड्स।